अवसिमश बसमी अल्लाम व्ययर्स आई एम सैनबरशी ना वाचिंग लिटरेचर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट आज का जो हमारा लेसन नंबर है वो है सिक्सटी वन जीरो वन सब्जेक्ट और टॉपिक है अल्ट्रा वायल्ट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है तो ये क्या है इसके मतलब हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन और मोर टैंड एम सी क्यूज हैं वो मैंने अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं वो आज हम देखेंगे तो इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन वो है डिफाइन अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी राइट एंड नोट ऑन अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो नोट वाला है जी तुम तो सी क्यूज़ भी इसमें आ सकता है डेफिनेशन में अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है रिफर्स टू दब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका दूसरा नाम क्या है एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी आपने याद रखना है और यहाँ इसे हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी ये जो रीज़न है इसके अंदर जो चीज़ें रखी जाती हैं सैंपल रखा जाता है वो क्या करता है चीज़ इसको एबजॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है और ये जो है अल्ट्रा वायल विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ये किसका पार्ट है इट इज़ ए पार्ट ऑफ द अल्ट्रा वायल्ट एम सी क्यूज आएगा ये किसका पार्ट अल्ट्रा वायल्ट रीजन का एडजस्ट विजिबल स्पेक्ट्रल रीजन दिस मीन्स इट इन यूज इज लाइट इन दिजिबल एडजस्ट रेंज यानी ये लाइट कुछ यूज़ करता है विजिबल और एडजस्ट रेंज के अंदर दी एब्जॉर्बशन और रिफ्लेक्टेंस इन दिजिबल रीजन डायरेक्टलीफ कैमिकल्स अब विजिबल रीजन यही है जो हम अभी जिसमें हम चीज़ों को देख सकते हैं जिस रीजन में लाइट के तो वो कह रहे हैं कि विजिबल रीजन के अंदर से ये भी पास आउट होता है ये वाला रीजन भी अल्ट्रा वायल्सो स्पेक्ट्रो, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो इसमें क्या होता है जैसे ये केमिकल्स के ऊपर लाइट जो है फॉल करती है तो उस केमिकल्स का जो स्पेसिफिक कलर है वो हमें नज़र आता है बिकॉज ऑफ क्योंकि इस लाइट के अंदर क्या है ये लाइट बेसिकली किस पर मुश्किल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रो मैगनीटिक होती है वो इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम बनाती है अब उस स्पेक्ट्रम में क्या है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अंडर गो ट्रांजिशन ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मटेरियल मौजूद है ठीक है मटेरियल मौजूद ऐसे है कि उसमें है हमारे पास डिफरेंट चीज़ों का क्या है मिक्सचर मौजूद है ऐसे मिक्सचर पड़ा हुआ है उसमें अब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आके इस पर फॉल कर रही है ना तो जैसे ये जो अंदर सैंपल पड़ा होगा इनके जो एटम्स होंगे वो अंडर गो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी उन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो चेंज हो जाएगी अगर वो पहले ग्राउंड स्टेट में थे तो वो ग्राउंड स्टेट में से लाइट उसके ऊपर जैसे ही फॉल करेगी वो ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में चले जाएंगे तो ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट आई होप आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे कि जो कार्बन है उसका अटामिक नंबर होता है सिक्स तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कंफोगेशन में इसकी देखते हैं जैसे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंफोगेशन होती है वो ये होती है वन एस टू टू एस टू टू पी टू ठीक है अच्छे हैं इलेक्ट्रॉनिकमोस्ट शैल में क्या होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन जब ये इसकी है ग्राउंड स्टेट अब ये जो है जैसे ही ग्राउंड स्टेट से क्या जाएगा स्टेट ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो क्या होगा वो इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी मसलन अब ये इस एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए क्या करेगा अपना टू एस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक्साइट कर देगा टू पी के अंदर तो वो क्या इसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी वन एस टू टू एस वन ठीक है टू पी टू पी एंड टू पी क्योंकि पी के तीन कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई एंड जी तो टू पी एक्स टू पी वाई एंड टू पी जी तो क्या था पी के अंदर पहले दो था तो हमने एक कर देना इसके अंदर एक इसके अंदर और एक इसके अंदर टू एस जो था उसके अंदर भी एक हो गया क्यों क्योंकि ए एस ने ए कंपनी अंदर से इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कर दिया है पी के अंदर तो ये इसकी होगी कार्बन की ग्राउंड स्टेट जिसमें कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक और जो है ग्राउंड स्टेट की समझ आ गई होगी तो ये इस तरह जैसे लाइट फॉल करती है तो जैसे ही इस तरह कार्बन के ऊपर भी जब लाइट फॉल करती है तो कार्बन भी जो होता है वो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉनिक स्टेट स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाती है ट्रांजिशन का जाती है नेक्स्ट एक एबजॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंप्लीमेंट्री टू फ्लोरिसेंट्स ये भी क्या है एबजॉर्शन स्पेक्ट्रोस जो स्कोपी है ये किससे रिलेट कर रही है फ्लोरिसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से फ्लोरिसेंट जो है ये हमसे क्यों जा सकता है किससे रिलेट करती है कंप्लीमेंट्री है फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्यों इन दैट फ्लोरिसेंस की आगे डेफिनेशन आ गई कि डील्स विद द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट फ्लोई में क्या होता है जब ही लाइट फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्साइटेड से ग्राउंड की तरफ जाएंगे लेकिन जब ऑब्जॉर्बन होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जैसे लाइट फॉल करती है एटम्स के अंदर वो इलेक्ट्रॉन लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑब्जॉर्व करने के बाद अपनी ग्राउंड स्टेट से चेंज होकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं ये दोनों जो हैं एक दूसरे के कम्पलीमेंट्री यानी थोड़ा इनका काम सेम है लेकिन उल्ट है नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन राइट है ऑन अल्ट्रा वायलेट वायल्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी अप्लीकेशन इसके अपलीकेशनस वही हैं कि ये किस किस में यूज़ होता है जो हमने ऊपर दूसरी स्पेक्ट्रोस्टोमेट्री की पढ़ी थी ये इलेक्ट्रिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ होता है ये हमसे की यूज आ सकता है कि यू किस में यूज़ होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में और किसके लिए यूज होता है क्वान्टेटिव डिटर्मिनेशन क्वांटिटी मालूम करने के लिए डिटरमिन करने के लिए ना किसी भी सैंपल्स के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस की क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है और ट्रांजिशन मेटल्स के मेटल्स की जो आयंस हैं और जो डिफरेंट जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी ट्रांजिशन मालूम करने के लिए आया है कि वो ग्राउंड में है या फिर एक्साइटेड स्टेट में है उन दोनों की ट्रांजिशन को मालूम करने के लिए भी ये यूज़ की जाती है स्पेक्ट्रोस्कोप एनालिसिस हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो एनालिसिस है ये सॉल्यूशंस के अंदर होता है लेकिन मोस्टली सॉल्यूशंस के अंदर होता है लेकिन यहां पर हमें सॉलिड और गैसेस अवेलेबल हो तो उसके अंदर भी हम ये वाला प्रोसेस हम कर सकते हैं नेक्स्ट जो एमसीक्यूज आ रहा है वो है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन बी डैश जो सोल्यूशंस होते हैं ट्रांजिशन मेटल आइंस के ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं जिनके अंदर है, जो उनकी ग्राउंड स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट में जा चुकी होती है उन सोलूशंस के अंदर जो मेटल्स आइन होती हैं उनका जो रंग है, होता है वो होता है मौजूद उनके अंदर कलर्ड होता है वो ऐसे विदाउट कलर नहीं होता क्यों बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन्स विद द मेटल आइन्स आर कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन स्टेट एंड टू अब ये जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये उसके डी सब शेल में ठीक है एटम्स के जो डी सब शेल होते हैं वो हाफ फील्ड होता है जैसे लाइट गिरेगी डी सब शेल भी जो होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे और एक्साइटेड के दौरान उनके क्या नज़र आएगा हमें कलर आएगा तो कलर ऑफ मेटल आयन इज आयन सोल्यूशन इज स्ट्रॉली इफेक्टेड बाई दी प्रिजेंस ऑफ अदर स्पीशीज ठीक है अगर हम कोई और चीज भी उसके अंदर डाल दें तो नाइन और एग्लैंड उसका कलर जो होगा वो उसके इफेक्ट करेगा मिसाल के तौर पर दी कलर ऑफ ए डूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ वेरी लाइट ब्लू एडिंग अमोनिया इंटेंसीफाइज दी कलर एंड चेंजेस चेंजेज देंथ ऑफ मैक्म एब्जॉर्बन ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का उसका अगर अगर वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लाइट का उजॉव करता है तो उसके ट्रांजिशन चेंज होगी और वो लाइट ब्लू कलर देगा लेकिन जब हम लाइटर यानी थोड़ा सा हल्का सा ब्लू कलर देगा लेकिन जैसे जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के अंदर अमोनिया को ऐड कर देंगे ये उस लाइट कलर को इंटेंसीफाइज कर देगा यानी उसे डार्क ब्लू कर देगा और उस कलर को चेंज करने के बाद जो उसकी वेवलेंथ होगी वो ऑब्जॉर््शन जो वेवलेंथ की उसकी स्लाइथ होगी ऑब्जॉर्ब करने की वेव लाइट को वो भी बढ़ा देगा मैक्सिमम कर देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली विद हाई डिग्री ऑफ आल्सो डैश इन विजिबल रीजन वो कंपाउंड्स है जो कि जिनके अंदर कंजुकेशन हाई डिग्री की होती है वो भी क्या करते हैं लाइट को अल्ट्रा वायलेट लाइट को विजिबल रीजन में अब्जॉर्व करते हैं तो दी सॉल्वेंट फॉर दिस डिटर्मिनेशन और ऑपरन कौनस इन जो डिटर्मिनेशन के लिए इन मिक्सचर के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो अक्सर क्या होते हैं वाटर गैम भी याद रखने है आपने तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी हम जो यूज़ करते हैं वो इतने ज़्यादा सूटेबल इन्हें नहीं होते हैं ये हमसे क्यों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हैव सिग्निफिकेंट यूवी एब्जॉर्प्शन नॉट ऑल सॉल्वेंट्स आर सूटेबल फॉर हर सॉल्वेंट जो होता है वो यूवी के लिए सॉलवेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सूटेबल नहीं होता वाटर है और कुछ ऑर्गेनिक पाउंड हैं जो हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है, है एंथानल एब्जॉर््पन एथानॉल बेसिकली क्या है एक अल्कोहल का नाम है ठीक है एथानॉल जो होती है ये वेव मोस्टली थोड़ी वेवलेंथ की जो होती है लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेती है सॉलमेंट पुलरिटी एंड पी डैश कैन डैश दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसी भी मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी कितनी पुलरिटी है और उन सब्सटेंसेस की पीएच कितनी है वो दोनों भी इफ़ेक्ट करती है कि वो सब्सटेंस कितनी लाइट को ऑब्जॉर्ब कर सकता है ठीक है मिसाल के तौर तो पर टायरोसिन है फायर इंक्रीजिंग इन एब्जॉर्शन मैक्सिमम एम एमर एक्सट्रक्शन कॉफिशेंट वेन पी एच इंक्रीज फ्राम सिक्स टू तो थर्टीन अगर हम टायरोसिन है एक हमारे पास मिक्सचर है उसके अंदर टायरोसिन भी बढ़ी हुई है उस टायरोसिन का हम क्या करते हैं पी एच को इंक्रीज कर सकते हैं सिक्स से थर्टीन से जब हम इंक्रीज करते हैं तो वो टायरोसिन की एबिलिटी को बढ़ा देता है फॉर द एबजॉर्बशन ऑफ मैक्सिमम लाइट ऑफ वेबलैंथ ठीक है तो ये इसकी और जो सोलेंट होगा उसकी पोलरिटी को कम कर का देगा ठीक है नेक्स्ट है वाल चार्ज ट्रांसफर कंप्लेक्स आ टू कलर जैसे चार्ज ट्रांसफर हो रहे होते हैं कंप्लेक्सिस बन रहे होते हैं नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब बन रहे अब को ट्रैक करके कंप्लेक्स बनाते हैं उस वक्त भी कलर राइज होते हैं ये भी आपने याद रखा नेक्स्ट टाइम से सॉरी जो लेसन नंबर है वो सिक्सटी वन है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो जो हमने ऊपर पढ़ी है यूज ऑफ स्पेक्ट्रो वही चीज़ें दोबारा उन्होंने यहाँ पे रिपीट कर दी हैं कि किस एरिया में यूज़ होती हैं बायोफिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होती हैं क्लिनिकल इसका यूज है और जो नई चीज़ें उन्होंने बताई है वो है कि ये हम एप्लीकेशन फॉर स्पेस इंक्लूडिंग ईयरमेट सब्सटांसिस जो डी एन ए है आर एन ए और बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसे होते हैं इन छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक चीज़ों के लिए भी हम इसको को यूज़ करते हैं ये भी बता रहे हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन वाई स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इंपॉर्टेंट क्यों होती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का जो है अपनी इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है दी अमेजिंग थिंग अबाउट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज दैट कैन थियोरोटिकली बी यूजड थियोटिक भी हम यूज़ कर सकते हैं थियोटिकली का मतलब यह है कि सिर्फ ये क्वान्टिटी हमें मीयर नहीं देती नंबरिंग में हमें पूरा एनालिसिस नहीं देता इसके मतलब हमें जो भी चीज़ है जो भी सब्सटेंस लाइट को ऑब्जॉर्व कर रही होती है हम उस सब्सटेंस की खूबियों को उनकी तमाम एनालिसिस को थेरोटिक लिख भी सकते हैं ठीक है तो ये हमें थेरोटिक भी एनालिसिस देती फॉर इंस्टेंस कैन क्वालिफाई ये क्वान्टिफ़ाई कर सकती है न्यूकलिकसड प्रोटीन और बैक्टीरियल डेंसिटी को यानी अगर एक मिक्सचर के अंदर ये सारी चीज़ें है पड़ी हैं तो ये उनकी डेंसिटी को क्वानटिफाई करके बता सकती है कि इसके अंदर कितनी क्वान्टिया है और उसको थेरिटी के लिए भी बयान कर सकती है और जैसे ये बटा आज दी बिटरनेस कम्पाउंडस ठीक है बिटरनेस कम्पाउंडस को भी ये मेयर कर सकती है ये एम सी क्यूज में आपने याद रखना है नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी अभी तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़